हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने तीन शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 7 अगस्त के लिए जो स्टॉक रिकमेंड किए हुए थे उनमें से एक था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया। इसे बाय करना था 116.5 के लेवल पे। इसका एसएल था 115 का और इसके टारगेट थे 118.5, 121, 126। आज ने बहुत शानदार मूव दी है। ये है टाटा मोटर का चार्ट, देख सकते हैं। मॉर्निंग में ही इसने एंट्री की अपॉर्चुनिटी दी और उसके बाद में एक तरफा बढ़ता चला गया और हमारे टारगेट को अचीव कर दिया इसने लगभग 12 बजे के आसपास। और उसके बाद में भी ये कहीं पे रुका नहीं और ऊपर ही चलता चला गया और 119.7 का इसने हाई लगाया है। ये अभी भी बहुत अच्छे मोमेंटम में है। दूसरी रिकमेंडेशन थी बाटा। बाटा को सेल करना था 1269 से 1274 के लेवल पे। इसका एसएल था 1285 और इसके टारगेट थे 1256, 1248 एंड 1228। आज इसने बहुत ही अच्छी मॉर्निंग में अपॉर्चुनिटी दी सेल करने के लिए और बाद में भी इसने अपॉर्चुनिटी दी थी। 1273 के लमसम हाई गया था ये और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी और उसके बाद में इसने टारगेट अचीव किए। यह है बाटा इंडिया का चार्ट और देख सकते हैं इसने मॉर्निंग में ही काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी एंट्री के लिए और उसके बाद में ये देख सकते हैं एक तरफा नीचे आया, फिर एक मूव अप की आई और लेकिन बाद में भी ये वीकनेस इसमें बनी रही और पूरे दिन भर इसने वीकनेस में ही काम किया है। और इसने जो हाई लगाया था वो था 1273.45 और इसका लो था 1252। रिकमेंडेशन थी इन्फोसिस। इन्फोसिस को बाय करना था 963 से 968 के लेवल पे। इसका एसएल था 955 और इसके टारगेट थे 979, 988 और 1004। आज इसने मॉर्निंग में ही हमारे एसएल को इमीडिएटली हिट कर दिया और उसके बाद में ये वीकनेस में ही काम करता रहा पूरे दिन भर। ये देख सकते हैं इन्फोसिस का चार्ट और ये देखिए पहली कैंडल में ही इसने हमारे एसएल को हिट कर दिया और देख सकते हैं एसएल की इंपॉर्टेंस क्या है। ये एसएल जब हमारा हिट होता है उसके बाद में स्टॉक या तो उठेगा ही नहीं या उठने की उसमें हिम्मत ही नहीं आएगी। जनरली ऐसा ही देखा गया है कि ये एसएल जैसे ही हिट हुआ उसके बाद में ये पूरे दिन भर नीचे ही काम करता रहा और इसने कहीं पे भी अपने आप को उठाने की या फिर ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं की। 10 अगस्त की हमारी रिकमेंडेशन है यूपीएल। यूपीएल को बाय करना है। यूपीएल बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ में दिख रहा है। अगर ये इस करेंट लेवल पे नहीं मिले तो भी हमें इसके अपर लेवल पे भी बाय कर सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें मोमेंटम जो आएगा वो बहुत ही स्पीड से आएगा और हो सकता है ये मॉर्निंग में ही ये अपॉर्चुनिटी दे एंट्री की और उसके बाद में ये एक तरफा मूव करता चला जाए। इसका एसएल रहेगा 474। टारगेट जो बनेंगे वो है 488, 496, 503। ये है यूपीएल का चार्ट। इसमें देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है वापस और वॉल्यूम भी बिल्डअप अच्छा हुआ है और RSI भी फेवरेबल है। ये कल अगर मूव कर देता है 484, 485 के अबव तो इसमें बहुत ही तगड़ी मूव आएगी। इसीलिए इसे अपर लेवल पे भी बाय करने की रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसकी मूव अगर आ गई तो ये बहुत ही ऊपर चला जाएगा। 503 के ऊपर अगर थर्ड टारगेट के ऊपर ये चला जाता है तो फिर इसमें बहुत ही शानदार 5-6% उसके बाद में भी मूव आ सकती है। हमारा दूसरा शेयर है बॉश लिमिटेड। ये भी ऑटो सेक्टर का शेयर है। जिस तरह टाटा मोटर ने परफॉर्म किया है इसने भी अभी अपनी चाल शुरू की है। ये बहुत ही स्पीड से निकल सकता है। इसका इसे बाय करना है हमें करंट लेवल पे और इसका एसएल जो रहेगा 13480 और इसके टारगेट है 13900, 14100, 14420। यह है बॉस का चार्ट। इसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवमेंट कल आई है और पहले भी इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स आ चुकी है। वॉल्यूम बहुत ही फेवरेबल है। अभी कुछ दिन तक ये कंसोलिडेट किया है, अब इसमें अप मूव के पूरे चांसेस हैं। ये कंटिन्यू करना चाहिए अपनी मूव को और ये बहुत ही स्पीड से निकलना चाहिए। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन लुपिन। लुपिन को हमें सेल करना है 882 से 888 के लेवल पे और इसका एसएल रहेगा 896। ये लेवल बहुत ज़रूरी है। अगर ये लेवल पे आए तभी हम इसे सेल करेंगे ताकि रिस्क टू रिवार्ड हमारा काफ़ी फेवरेबल रहे और इसके जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो है 872, 864, 848। यह है लुपिन का चार्ट। देख सकते हैं चौथे महीने से इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई है और ये हमेशा ऊपर की तरफ ही मूव करता रहा है। कहीं पे भी वीकनेस के साइन नहीं थे इसमें और आज लगभग इसमें एक वीकनेस के साइन आया है और काफ़ी वीकनेस आ चुकी है एक ही दिन में। वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी बिल्डअप हुआ है, वो भी नेगेटिव साइड का। हो सकता है ये नीचे की यात्रा अपनी बहुत जल्दी शुरू कर दे। इसका रिस्क टू रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल है और हम उसी लेवल पे बेचेंगे
अगर वो लेवल नहीं आता है तो हम इसमें सेल नहीं करेंगे। जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। यह है निफ्टी का चार्ट। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कहा था कि ये टर्न करना चाहिए और इसके बाद में ये देखिए काफी अच्छी मूव आई है इसमें। अभी इसमें अप मूव कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है ये अपना हाई, जो इसका हाई है 11,340 के लमसम, वो भी ब्रेक करने की इसमें पूरी क्षमता है। हो सकता है ये मंडे को या आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ चला जाए। बैंक निफ्टी का चार्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ इस पॉइंट पे ये टर्न हो सकता है, उसके बाद में देख सकते हैं काफी अच्छी स्ट्रेंथ रही है और ये कंसोलिडेट ही कर रहा है एक जोन में। अब जब तक ये कंसोलिडेट करेगा तब तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा। ये ऊपर की लेवल को ब्रेक करेगा या नीचे की लेवल को, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा।